इस तरह की जो टैक्सीज हैं उनके उनके ऊपर सरकार को कहीं ना कहीं सख्त निगरानी रखनी चाहिए। और मैंने 100 बार कहा है कि जो भी ड्राइवर रखे जाते हैं उनकी पूरी तरह से काउंसलिंग होनी चाहिए, उनका पूरा वेरिफिकेशन होना चाहिए। क्योंकि अगर ड्राइवर्स के साथ में लड़कियां रात में भी जाएंगी, दिन में भी जाएंगी, काम पे भी करेंगी, तो इस तरह के लोग अगर टैक्सियों में होंगे और महिलाओं के साथ लगातार, एक तरफ हम उनके उत्थान की बात करते हैं, उनके सेफ्टी की बात करते हैं, दूसरी तरफ इस तरह की वारदातें होती हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए, सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है। और इसके ऊपर कठोर कदम उठाए जाने चाहिए और जो ड्राइवर पकड़ा गया है उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। The girls are still very unsafe in taxis, and now after Uber, now this is taxi for sure, in which the taxi driver was masturbating in front of the victim, and this is a serious offence. A sexual offence should be registered under 354 of the IPC, which is cognizable, non-bailable now. In fact, if the girl has not come forward to register a complaint, the Delhi police must get the footage, or even on the facts, they can at least register the case and start inquiring.